हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 1200 रुपया हो तो उसी राशि का उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये है कि हम ये निकाल लेंगे कि कितना अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे। तो देखिए ब्याज हमको मिल रहा है कितना, 1200 रुपया। ये मिल कितने दिन में रहा है, 3 साल में। तो अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 400। यानी 400 रुपया सालाना मिल रहा है। और ये 400 रुपया कितने के बराबर है, हम या तो ये कहेंगे कि हमको 5% मिल रहा है या तो हम ये कहेंगे कि 400 रुपया मिल रहा है। तो ये 5% 400 रुपया जो होगा ये बराबर हो गया 5% के। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है हमको, 1% निकाल के 100% निकाल लें। तो 1% कैसे निकलेगा, यानी 400 को हम लोग 5 से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा निकल जाएगा 100%, जो कि क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा। 5 से काट दिया जाए, 5 20 100 और 20 में 400 का गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 8000। यानी जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 8000 रुपया है। अब देखिए, अब एकदम सिंपल सा काम करना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए। आपको लिखना क्या होता है, लिखना होता है टोटल अमाउंट जो पैसा आपको ने इन्वेस्ट करना है। इसके बाद इसके नीचे जितनी भी साल के लिए निकालना होता है उतनी लाइनें ऐसे खींच दीजिए। यानी अब इसका 5% निकालना है ब्याज हर साल 5%, यानी जितना अमाउंट लिखेंगे हर अमाउंट का 5% हर बार निकालते जाएंगे और जोड़ देंगे। तो देखिए 8000 का 5% कितना होगा, 8000 का 5% होगा 400 रुपया। ठीक है, फिर उसी तरह से 3 लाइनें हैं तो तीनों लाइनों में हम लोग लिख देंगे 400 रुपया। ठीक, तो ये जो पहली लाइन में लिखा जाता है ये हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो इस 8000 के कारण जितना भी पैसा मिलना था मिल चुका। अब इस 400 के कारण पैसा मिलेगा, लेकिन ये कब मिलेगा, नेक्स्ट 2 ईयर। ठीक है ना, तो 400 का 5% कितना होगा, 20 रुपया। ये भी मिला और दोनों साल 20-20 रुपया ये मिल गया। ठीक है, अब इसके कारण भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब मिलेगा किसके कारण, इस 400 के कारण। इस 400 के कारण भी हमको फिर से कितना मिलेगा, 20 रुपया। और इस 20 रुपये के कारण 5% मिलेगा जो कि कितना होगा, 1 रुपया। अब इस पूरे अमाउंट को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये हमारा अमाउंट हो जाता है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये सब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 3 1200 और 20 3 60, 1260 और 1 हो गया 61। यानी हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1261 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये 1261 रुपया हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर यहीं भी पूछा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, तो ये जो लाइनें होती हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। और ये जो होता है ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 1261 रुपया। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।